मेरा नाम है बेला रानी और इनका नाम है बबली रानी। अच्छा, दोनों रानियों से पूछना चाहूंगी, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी जी। दोनों रानियों ने साथ में बोला है, क्यों लगता है रानियों को, दोनों रानियों को, कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री? अच्छा करा, बहुत कुछ करा मोदी जी ने, हर चीज की सोच दे दी है। फ्री के बोल रही है, मोदी जी फ्री का लालच नहीं देते, मेहनत करिए और पाइए। फ्री का लालच केजरीवाल देता है, केजरीवाल जिसने देश को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। आज देखिए बस, आज देखिए बस कितने, क्या केजरीवाल क्या अपने घर से दे रहे हैं? केजरीवाल क्या किराया, केजरीवाल अपने घर से फ्लैट दिया, जेंट्स को नहीं दिया। केजरीवाल औरत को फ्लैट दिया, जेंट्स को नहीं दिया। केजरीवाल लालच नहीं दिया तो भेदभाव क्यों किया? मेरा एक सवाल है, अच्छा किया है, भेदभाव क्यों किया? मर्द कमाता है। आंटी जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए किया, देश के लिए नहीं किया। महिलाओं के लिए क्यों किया? दस रुपए का भी किराया महिलाएं कहीं भी उतरे, आप 10 रुपए किराया लीजिए। इसे बस के उसमें कितना घाटा नुकसान, परिवहन में उसमें कितना घाटा नुकसान। क्या केजरीवाल अपने घर से दे रहे हैं पैसा? क्या केजरीवाल जी घर से दे रहे हैं? नुकसान नहीं हुआ, केजरीवाल फायदे में है, जेंट्स के कमाता है, लेडीज के कमाते हैं, इसलिए केजरीवाल दिया है। केजरीवाल नुकसान नहीं करा। जब केजरीवाल शुरू में आए थे, कहते थे सरकार के पास बहुत पैसा है, तो क्या लूटने के लिए सारा देश खोखला कर दिया फ्री के चक्कर में? अभी भी लोगों को अकल नहीं आ रही है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कहाँ देश खोखला हुआ है? कहाँ राष्ट्रीय हित में काम किया है मोदी? लेकिन कह रहे हैं कि कर दी, फिर उसके बाद बिल भेजना चालू कर दिया कांग्रेस ने, किया जो कांग्रेस ने किया और वही आज केजरीवाल कर रहा है। आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, जो केजरीवाल ने किया आज, जो कांग्रेस ने किया वही आज ये कर रहा है, केजरीवाल कर रहा है। पढ़ाई में आप स्कूल देखिए, स्कूल 7 से 10, 10 से 12, 3 घंटे में कौन सी पढ़ाई होती है कि स्कूलों का नाश मार? जवाब देंगे भाई साहब, सरकारी स्कूल की टीचर के घर के पास रहती है। जी। क्या जवाब देंगे भाई साहब? सारे नाश मार दिया, क्या नाश मार दिया? केजरीवाल तो स्कूल का फीस कम कर दिया ना, आप स्कूल बढ़ा दिए ना, स्कूल बढ़ा दिया। पहले नए स्कूल नहीं बनाए, नए बस नहीं कोई लाया, नए बस के वादा किया था, कोई नई बस नहीं आई। स्कूलों के लिए नए स्कूल कहा था, नए स्कूल नहीं बनाए। और ये जगह जगह इसने वो क्या, मोदी जी ने बहुत अच्छा, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा करा, मोदी जी ने बहुत अच्छा करा। मैं मीना पवार, समाज सेविका, समाज सवार जी, रुकिए जवाब ले लेते हैं। मैं भी मानता हूँ, चल मोदी क्या किया, अच्छा मुझे बता, हमको मालूम नहीं है क्या किया। बहुत अच्छा, बहुत जी, सवाल सीधा पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय हित में कार्य किया, आज एक भी बम ब्लास्ट नहीं होता हमारे देश में। फुलमामा का क्यों हो गया? उसके बाद में आधे हो गया, कश्मीर में क्यों हो गया? पहले जगह जगह होते थे, अब वो नहीं हुए। मिलिट्री को मजबूत किया है मोदी जी ने, देश को मजबूत किया है मोदी जी ने मजबूत किया है, मोदी जी ने मजबूत किया। पहले किसी कोई सरकार ने इतना मजबूत नहीं किया भारत, इससे पहले सुनो, हम वो भी बोलते हैं भारत माता की जय, हम बोलते हैं इससे पहले रोड के पास था, कभी मिलिट्री के बेस पे कभी नहीं। जी क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि मोदी सरकार की वजह से पुलवामा अटैक हुआ। कुछ नहीं हुआ, जो अब हुआ अब सही हो रहा है, मोदी ने सही किया है, कुल मिला के यही। हाँ जी, पहले दुनिया भर की देखो गैंग रेप होता था, बलात्कार होता था, अब नहीं हो रहा है, अब तो होता है ना, अब उसको क्या नाम है, सब उसको फांसी लगाने की सजा देते थे इसको, ठीक है ना? क्या देखें, सब बंद जा रहेगा तुम, न्यूज में कितने हो गया, क्या देखेंगे? मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा, ना होगा, बल भारत माता की। क्यों नहीं खुटा मैं वही करेगा। अंकल जी ये कह रहे हैं, रुकिए ये क्या, अंकल जी रुक जाइए। राजधानी का क्या हुआ है, क्या हालत हुआ है? नुकसान हो गया है ये आप कह रहे हैं? अच्छा, इस बात का नुकसान, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है, विदेश की बात सुनते हो, भारत की बात नहीं सुनते हो, आपके पास सबसे बड़ी समस्या ये है। मोदी जी कभी किसान का कर्ज माफ किया है? नहीं किया। अरे सुनो, एक मिनट,
ये लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, अभी महंगाई है, जब कांग्रेस की, जब कांग्रेस के टाइम पे पाँच, एक मिनट, जब एक मिनट, जब कांग्रेस के टाइम पे 5 रुपए से 10 रुपए अगर पेट्रोल पे पड़ता है या जिससे पे, ये लोग रस्ते के पड़ाते थे, आज सिलेंडर का रेट 3 गुना ज्यादा। पेट्रोल मिल गया, धन्यवाद करो, फोकट में मिल रहा है आपको, फोकट में मिल रहा है और कुछ नहीं, फोकट में मिल रहा है। 102 रुपए हो गया भैया, 50 रुपए मिलता था सिलेंडर। मेरा एक सवाल सिलेंडर पहले 365 था, आज कितना हो गया, आज कितना हो गया, ये आप कह रहे हैं। पहले रामदेव बाबा ने वादा किया था 35 रुपए लीटर तेल देंगे जब बीजेपी का सरकार आएगी, कहाँ दिया 35 रुपए लीटर सिलेंडर। आप कह रहे हैं रामदेव बाबा ने वादा किया, जवाब दे दीजिए, कह रहे हैं वादा किया, बोला था सरकार आएगी तो करेंगे। बकवास ना किया करो, आप बकवास कर रहे हो। अच्छा ये क्या, रुके ये कह रहे हैं अंकल जी, उन्हीं ने दिया है मोदी ने, इतने जो बोल रहे हो तुम्हारा बस का नहीं है। अंकल जी ये कह रहे हैं, रुके एक कर ये कह रहे हैं मोदी सरकार जब से आई है देश को लूट लिया है, क्या जवाब, क्या लूटा है इनका। मोदी ने तो वो बढ़ाया कि विश्व में, आज विश्व में मोदी मोदी हो रहा है, विश्व में भारत जैसा स्थान अभी कहीं नहीं है। आज तक कांग्रेस में प्रधानमंत्री का चेक होता था, उनको नंगा कर दिया जाता, आज हाँ समझे, अरे कदर है कहीं का, नंगा हो जाते थे अमेरिका में जाके, नहीं करते वो देश का रोजगार, कुछ नहीं करते, 1 करोड़ का सूट पहनो। आंटी जी क्या कर रही, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो विदेश में जाएगा तो नंगा होकर रहेगा क्या, विदेश वाले कहेंगे गरीब है भारत, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, तुम पहनोगे, तुम कमाओ, तुम पहनो। हाँ सुनिए, और ये मेरी बात सुनो, देश के लिए उसने क्या किया, गरीबों के लिए बोला था किसान का कर्ज माफ करेंगे, ये लोग कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, एक करके प्लीज। आंटी जी इन लोगों का आरोप है कि ये लोग, हाँ तो फिर क्या है, कहना है ठीक है, इन लोगों का कहना ये है, गुटका काहे खाते हैं आप, हम नहीं खाते हैं, करते हो गुटका बनाने वाले, शराब के लिए, आप शाम को देखिए जितने भी ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, शाम को आप देखिए शराब की दुकानों पर भीड़ लगी होती है, पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास, गुटखा खाते हैं, पैसे कहाँ से आते, गुटखा खाते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो गुटखा खाते, गुटखा बंद करवा दो ना फिर, नहीं आपके बच्चे गुटखा खाएं, आप चाहते हैं क्या, ये अच्छी चीज है क्या, आपकी सेहत को नुकसान करती है, ठीक है जी, गुटखा खाना सुधारिए पहले, आप मोदी को राहुल को समझा रहे हो, आप गुटखा खाना बंद करिए, मुद्दा नहीं रहा तो गुटखा पे आ गए, देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं है तो आप गुटखा पे आ गए। महंगाई इनको बताओ क्या चीज, पहले कांग्रेस का टाइम था, मेरी बात सुनो, कांग्रेस का टाइम था, क्या चीज नहीं सर, सिलेंडर 360 रुपए था, पेट्रोल 35 रुपए लिया करते थे, आज 1000 रुपए 1200 पर है सिलेंडर, 1200 पे 1150 यानी 1200 ठेका दिया, 1200 ठेका दिया ठीक है, और पेट्रोल था, पेट्रोल पे हम हर जगह गाड़ी से घुमा करते थे, वो भी बढ़ा दिया रेट, हर चीज का रेट बढ़ा दिया, बोला था गरीबों का कर्जदार माफ करेंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, वो अडानी का माफ करते हैं, अंबानी का माफ करते हैं, ठीक है क्या, दो मिनट भाई साहब, क्या महंगा हो गया ये बताओ, क्या दो मिनट रुको, कर दिया राशन, हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं भाई साहब, आराम से आराम से, हाँ हम हर चीज में टैक्स दे रहे हैं, हाँ टैक्स दे रहे हैं, पहले खाने पीने पे तो कोई टैक्स नहीं था, आज हम अनाज खा रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे, गुटखा भी खा रहे उसको भी टैक्स दे रहे हैं,
क्योंकि गोदी मीडिया के जो है वो तो इनको फॉलो करेंगे। गोदी मीडिया थोड़ी गुटखा खाता है, तुम गुटखा खा रहे हो। अब गुटखा खाते कौन नहीं खाते, हम तो नहीं खाते। साल में 80% आदमी अभी इसको भटकाओ मत। अरे गुटखा भटकाओ मत, दो मिनट, दो मिनट, अरे दो मिनट यार, अरे दो मिनट सुन यार, अरे सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, अरे सुनने दीजिए, सुनने दीजिए। जवाब तो ले ले, जवाब तो ले ले, जवाब तो ले ले। क्या महंगा हो गया है, क्या चीज महंगा नहीं हुआ, एक एक करके बताओ। मैं जवाब नहीं, इनका जवाब इनसे ये पूछिए क्या चीज महंगा नहीं हुआ। हम तो सब चीज महंगा हो गया, जैसे कि कोई नाम दो चार, पेट्रोल ले लो, पेट्रोल ले लो, भारत में होना, भारत में होना, बोल भारत, मेरी बात सुनो, आप भी भारत में होना। राशन महंगा कर दिया, हर चीज राशन में कोई ऐसा आइटम नहीं है जो, ठीक है, राशन महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया। ये अडानी अंबानी के लिए होंगे, पेट्रोल सिलेंडर, रुक जाइए, पेट्रोल सिलेंडर का इन्होंने नाम लिया क्या, ठीक है। अच्छा जो गुटखा खाते भाई, दिन भर में कितना खाते, सही बताओ यार, दोनों में टैक्स दे रहे ना, तो उसमें भी तो टैक्स दे रहा है, उसमें भी तो टैक्स दे रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। वो 5 रुपए का था, 5 रुपए का आज भी है। मोदी जी पहले कांग्रेस के टाइम भी 5 रुपए का था, पर डे 5 गुटखा खा रहे हैं, है पर डे 5 गुटखा खा रहा है, कहाँ से आ रही उसकी कमाई यार। फिर वही बात यार, कमा रहा तो कमा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कमा रहे खा रहे। अच्छा ये बता, दो मिनट, आज से पहले मैं कुछ नहीं खाता, मैं कुछ नहीं खाता, मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं पहले से अच्छा कमा रहा हूँ। सुनते मारे हो, बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, बच्चे को पढ़ाते, बात तो सुन ले। अरे इतना एक्साइट, एक एक करके प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, मेरी बात सुनो। हमने बोला सिलेंडर महंगा हो गया, हर चीज महंगा, इनके पास मैं एक मिनट, एक मिनट, आप कह रहे हैं कांग्रेस राज में, रुकिए रुकिए, आप हम गुटखा नहीं खाएंगे तो हम ताली बजा, अरे सुन लीजिए, सुनिए 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 सुनिए, पहले तो गलत चीज मत बोलिए, ताली बजाने वाले भी इंसान ही होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या, कितनी थी 2014 या 10 में कितनी थी, क्यों यार, क्यों यार, ये क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कैसे नहीं, अगर कैसे बात कर रहे हो, अरे बात करो ना यार, ये बताओ, दो मिनट, अगर तुम्हारे खेत में, दो मिनट, तुम्हारे खेत में 1 क्विंटल चावल निकलता है, उसको खाने के लिए 100 लोग हो, है, और उसी को खाने के लिए एक देश में 50 लोग, कहाँ सस्ता होगा, अपने आप बताओ, बताओ कहाँ, कितना गेहूं के, कितने गोडाउन में जाके देखो, सड़ा के उड़ा रहे, सड़ा के उड़ा रहे, क्यों, अब कहाँ की दुनिया में, सड़ा के उड़ा है ना, सड़ा के चढ़ रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हो, पानी सड़ा के अनाज फेंक रहे हैं, दे रहे हैं खाने के लिए, कौन से गोडाउन में, कौन से गोडाउन, जो आपको मालूम, कहाँ कहाँ, कौन है, आप कहाँ पे, नहीं नहीं, आप हिंदुस्तान में नहीं है, नहीं नहीं, एक एक करके सुनिए, सुनिए, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, 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 आप कह रहे हैं गोडाउनों में बह रहा है, इनका मुंह बंद कर दीजिए, वो प्रूफ दिखाकर, गोडाउन में बह रहा है, सरकारी गोडाउन नहीं, तो कहीं तो होगा। अभी देखो ये पहला, अभी हमारे पास स्टेटस नहीं, लेकिन मालूम है ये चीज, सबको सबको मालूम है ये चीज, अच्छा दिखाऊंगा, मेरी बात सुनो, मेरी गाल सुनो, मेरी बात सुनो, मैं पंजाब से हूँ, मेरी बात सुनो, मैं पंजाब में हूँ, मैं दिखाऊंगा पंजाब में, आओ कितना गेहूं बर्बाद हो रहा है, हमें सर आम आदमी पार्टी है तो उनकी गलती है ना, मेरी बात सुनो ना, आम आदमी अभी आई है, तो वो तो ये कह रहे थे ना कि हम आते ही सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है, मुझे बताओ क्या ठीक किया, मुझे बताओ, तो आम आदमी पार्टी कह रही थी ना, हम आते ही ठीक कर देंगे, ना हम आम से है, ना आपसे है, ना किसी के बाप से है, हम तो अपने बाप से है, हमारे को क्या है मालूम, जो सही है वो सही, जो गलत, अगर मोदी सही करेगा, मोदी क्या कहेंगे, क्या 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 गलत कर रहे हैं, आज भी मैं बोलता हूँ इंडिया में, सॉरी आज भी बोलता हूँ इंडिया में मोदी जैसा लीडर नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन क्या है मालूम, उसके पीछे जो काम करने वाले हैं ये सही नहीं है, समझे, ये मैं आपको, और इसके बाद में है ना, मुझे ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा, जिस जो चेहरा नहीं दिख रहा जो प्रधानमंत्री बने, ऐसा मैं मोदी से यही अपील करता हूँ, अपने स्टेटस को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने हम लोग जो भरोसा कर रहे हैं उसको, वो उसको कायम रखते हुए देश को देश की तरह चलाओ, पॉलिटिक्स की तरह, कम्युनल की तरह, अपने मन माने की तरह मत चलाओ। एक चेहरा जिसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं 24 में, चेहरा बनने से प्रधानमंत्री नहीं पता, उसके काम से बनता है प्रधानमंत्री, तो अभी तो दो बार, प्लीज प्लीज, अभी
हाँ ठीक है, देखो मैं मानता हूँ राहुल बच्चा है, राहुल में एक्सपीरियंस नहीं है, बंदा अच्छा है, नहीं एक बच्चा नहीं है, युवा है भाई, युवा है, बच्चा नहीं है, वो 56 साल का युवा है, अंकल जी जी 52 ईयर का, उसको बच्चा बच्चा उसको पप्पू पप्पू कह रहे हैं, वो अपने अपने जो है आइस को आइस पैदल चल रहा है, आइस में बिक रहा है बगैर टी शर्ट उसके चल रहा है, नंगा चल रहा है, इतनी में कोशिश कर रहा है, अच्छा लीडर है, समझे आप, बाकी जितने लीडर है जितनी भी पार्टियों के लीडर है सब मिले हुए आपस में, अच्छा। एक दूसरे को लड़ाते साथ में बैठ के खाते हैं, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं 24? हम चाहते हैं अब की जो है जिसको लोग पप्पू पप्पू बिलावजे बोलते हैं राहुल गांधी, अब की हमें एक मर तो भाई 10 साल इनको देखा, अब 5 साल इनको देख ले, ठीक है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैडम ऐसा है देखो, जिनको आप देखो 2 मिनट, जो क्या कहते हैं जिसको जो क्या बोलना है, देखो उनको अपना कल्चर नहीं पता, मैं साफ कहता हूँ उनको अपना कल्चर नहीं पता, वो अभी क्या बोलेंगे 1 घंटे बाद क्या बोलेंगे उनको खुद याद नहीं होता है, और वो क्या बोलना चाहते हैं उनको खुद नहीं पता होता है, वो कभी भी कुछ भी कैसा स्टेटमेंट देंगे, वो सिर्फ इंटरटेन करा सकते हैं लोगों का, इंटरटेन करा, मैं तो उनकी वीडियो इंटरटेन कराते रहो, बिल्कुल मैं उनकी वीडियो देखता हूँ हंसने के लिए। आज आपको बताया भारत के ऊपर कितना लोन है, कितना लोन है आपको कुछ पता है? नहीं पता, चलो आज तक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी लोन हो गया सारा 10 साल में लोन हो गया, ये 10 साल में आप दो दिन मीडिया को फॉलो करना छोड़ दीजिएगा, सोशल मीडिया पर आइए आप, फिर पता लग जाएगा, जोर से तो बोलिए सुनाई नहीं दे रहा, 149 करोड़ रुपए का भारत के ऊपर लोन है, और इतने टाइम में 1947 में भारत आजाद हुआ था ना, 49 लाख करोड़ रुपए का मतलब लोन था भारत के ऊपर, और ये 10 सालों में 149 कर, जब 1947 से लोन था, 2 मिनट, जब 1947 से लोन था तो पाकिस्तान को पैसा क्यों दिया था त्रिपाल के लिए, क्यों दिया था उन्होंने, जब 1947 राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, किए भी खत्म हो गई ना, कर रहे थे ना, उसमें इतने सारे पैसे लगा, 200 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान में खर्चा हुआ है, वो 200 करोड़ रुपए अगर वो बिजली बिल में माफ करवा देते, किसानों का कर्जा माफ करा देते, तो उससे एयरपोर्ट, अरे भाई साहब सुन लीजिए, छोड़िए यार, वो छोड़िए, विधायक लोग एक विधायक निधि देता है वो, मैं बता रहा हूँ अगर ये सब कर देते तो भी वो आ जाते, हाईलाइट हो जाते, पर उन्होंने ऐसा करा नहीं, उसे वो ये कह रहे हैं, प्लीज वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के देश पर नाम जो बांट दिया गया है, देश बांट दिया गया हिंदू मुस्लिम के नाम पर मोदी सरकार में, इसलिए हम भारत जोड़ने निकले हैं, क्या कहें उसमें उन्होंने क्या जोड़ के क्या कर लिया, क्या जोड़ा उन्होंने, आज के जो भी लड़के हैं ना पढ़े लिखे सब होशियार, सब जानते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं और राहुल जी क्या कर रहे हैं, सब पता है सबको,